हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बात करेंगे 8 ऐसे इंडियन सुपर ग्रेन्स के बारे में जो आप वीकली अगर अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। दे आर ग्रेट फॉर वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट के लिए भी। तो चलिए इस लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है बार्ले यानी जौ। सो बार्ले जो है वो सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल दोनों फाइबर में बहुत ज्यादा होता है। उसके जो फाइबर होता है वो वेट लॉस के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। इट एक्ट्स एज प्रीबायोटिक। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ इट इज ऑल्सो लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन में हाई होता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। ये आपके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने के लिए और साथ ही BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इट इज ग्रेट फॉर किडनी डिटॉक्सिफिकेशन। जौ की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो समर्स आने वाले हैं, जौ को अपने डाइट के अंदर यानी बार्ले को अपने डाइट के अंदर जरूर शामिल करें। आप होल बार्ले खा सकते हैं, आप इसका आटा डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका दलिया भी आता है यानी ब्रोकन बार्ले। अगर एक कप कुक्ड बार्ले की बात करें तो उसके अंदर 6 ग्राम फाइबर होता है, वहीं 4 ग्राम उसके अंदर प्रोटीन मिलता है। इसकी बहुत सारी रेसिपीज मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, आप वहां से इसकी रेसिपीज भी देख सकते हैं। तो नंबर 2 पर है फिंगर मिलेट, जिसे रागी या नाचनी भी कहा जाता है। इट्स अ ग्लूटेन फ्री ग्रेन। दिखने में राई या मस्टर्ड के दानों की तरह होता है, बट इट इज एक्चुअली अ ग्रेन। ये एक मिलेट है। इट इज अ पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स और स्पेशली कैल्शियम में अगर कोई ग्रेन सबसे रिच है तो इट इज रागी। रागी इज ऑल्सो हाई इन आयरन। इसके अलावा पोटेशियम और बहुत सारे और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हैं। इट इज लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, तो एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है। इट इज अ वंटर ग्रेन फॉर फीमेल वुमेन, अपनी डाइट में जरूर इसे शामिल करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तब भी आप रागी को आसानी से अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इट इज ग्रेट फॉर योर बोन्स, आपके दांतों के लिए अच्छा है बिकॉज इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा है। अगर आप एनीमिक है तब इसे डाइट के अंदर जरूर शामिल करें। इसके अलावा प्री डायबिटीज और डायबिटिक्स के लिए भी ये ग्रेन बहुत अच्छा है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर मैं एक कप होल ग्रेन रागी के आटे की बात करूं तो इसके अंदर 10.3 से भी ज्यादा ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा, वहीं 16 ग्राम फाइबर आपको मिलेगा। सो अगेन दोनों ही चीजें इसके अंदर है जो वेट लॉस के लिए आपको चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड हाई फाइबर। तीसरे नंबर पर जिस ग्रेन की हम बात करेंगे वो है एमरेंथ, और इसे बहुत सारे और भी नामों से जानते हैं। इसे चौलाई भी कहा जाता है, इसे रामदाना कहा जाता है, राजगिरा कहा जाता है, और ये एक सूडो ग्रेन है। यानी असल में ये ग्रेन नहीं है, दे आर बेसिकली सीड्स, लेकिन ये खाया जाता है ग्रेन की तरह, और इसीलिए इसका जो प्रोफाइल है प्रोटीन का वो बहुत ही अमेजिंग है। इट इज अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। हम आजकल बहुत बात करते हैं किनवा की, लेकिन किनवा को अगर कोई ग्रेन टक्कर दे सकता है, इनफैक्ट उसे मात दे सकता है कंपटीशन में, उसे हरा सकता है, अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो है एमरेंथ। इसके अंदर जो प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन है। लाइसिन एक अमाइनो एसिड होता है जो बहुत सारे ग्रेन में से मिसिंग होता है, लाइसिन आपको एमरेंथ यानी चौलाई में से मिलेगा। आप चौलाई का आटा डाइट के अंदर डाल सकते हैं, होल चौलाई इंक्लूड कर सकते हैं, चौलाई को पफ करके यानी पॉप करके भी यूज किया जाता है। सो इसका न्यूट्रिशन का प्रोफाइल जो है वो किनवा से बहुत बेहतर है, प्रोटीन इसमें किनवा से ज्यादा है। एंड बेस्ट पार्ट ये है, इट इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है ये। यूजुअली इसे फास्ट में खाया जाता है जब व्रत रखते हैं, जो नाम अगर आप देखेंगे रामदाना, राजगिरा, क्योंकि राजाओं का ग्रेन है ये। इट इज ऑल्सो रिच इन मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, जिंक, सेलेनियम, पोटेशियम। अगर मैं बात करूं आधा कप पके हुए एमरेंथ की यानी कुक किया हुआ एमरेंथ, तो उसके अंदर 5 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है, विच इज वेरी गुड। अगले नंबर पे जो ग्रेन है वो बेसिकली इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट रिनाउंड ग्रेन। जब हम बात करते हैं वेट लॉस की, सबसे ज्यादा पॉपुलर है एंड इट इज ओट्स। सो इट इज वर्ल्ड्स बेस्ट वेट लॉस फ्रेंडली ग्रेन। ये भी बहुत रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में। इसके अंदर जो फाइबर होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, वो फाइबर होता है बीटा ग्लूकोन, और वो एक ऐसे हार्मोन को हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलेट करता है विच इज बेसिकली काइंड ऑफ पेप्टाइड, जो हमारे हंगर को कंट्रोल करता है। सो आफ्टर हैविंग ओट्स आप बहुत देर तक सेशिएटेड फुल फील करते हैं, आपको भूख नहीं लगती है, और वो फाइबर जो होता है वो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी, इट्स लुब्रिकेटिव इन नेचर, उसके अंदर लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, तो कॉन्स्टिपेशन से बचाता है आपको, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए अच्छा है, एंड इसके अंदर भी प्रोटीन काफी अच्छा होता है। ओट्स आर ऑल्सो लोडेड विद एंटी ऑक्सीडेंट, उसके अंदर मैग्नीज होता है, फॉस्फोरस होता है। 100 ग्राम अगर मैं ओट्स की बात करूं तो उसके अंदर 15 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। सो इट्स
वन ऑफ द मोस्ट richest सोर्स ऑफ प्रोटीन जब हम ग्रेन्स की बात करते हैं। तो अभी तक मैंने जिन ग्रेन्स के बारे में बात की है वो सारे ग्रेन्स अगर आपको एक ही जगह मिल जाए तो मैं बात कर रही हूँ कपीवा के मसाला सुपर ग्रेन मिक्स के बारे में। सो इसके अंदर चार ऐसे वेट लॉस फ्रेंडली ग्रेन्स हैं जो आपको वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। इट हैज ओट्स, इसके अंदर रागी है, एमरेंथ है और इसके अलावा इसके अंदर है ग्रीन ग्राम्स। सो ये चार ऐसे सुपर ग्रेन्स हैं जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें तीन ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं विच आर अगेन नोन फॉर देयर वेट लॉस प्रॉपर्टीज और वो वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करती हैं। वो है गार्डसेनिया, इसके अलावा ग्रीन कॉफी है इसके अंदर एंड गार्लिक। इसकी एक सर्विंग जो है उसमें 5.3 ग्राम्स आपको प्रोटीन मिलेगा और 3.8 ग्राम्स फाइबर। और फाइबर एज आई सेड इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर डाइजेस्टिव हेल्थ। इसकी अमेजिंग बात यह है कि इट इज वेरी क्विक एंड इजी टू मेक, यू जस्ट नीड 3 मिनट्स। आप सिंपली इसे पैन के अंदर ऐड कीजिए, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर ऐड कीजिए, इसे कुक कीजिए, ओकेशनली स्टर करते रहिए एंड योर क्विक हेल्दी इजी टू मेक ब्रेकफास्ट इज रेडी टू बी कंज्यूम्ड। आप इसे गरम गरम खाइए एंड स्पेशली अगर आपका जो रूटीन है वो काफी बिजी है एंड बिकॉज ऑफ दैट बिजी रूटीन आप हेल्दी खाना नहीं खा पाते हैं, देन दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली इंक्लूड इन योर डाइट। इट हैज अ वेरी टैंगी रिफ्रेशिंग मिंट फ्लेवर टू इट, इट हैज जीरो ट्रांस फैट एंड इट इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम प्रिजर्वेटिव्स विच इज एन एक्सेलेंट थिंग। यू कैन ऑल्सो ट्राई देयर अदर वेरियंट फॉर इम्प्रूविंग योर एनर्जी एंड इम्यूनिटी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग कपीवाज मसाला सुपर ग्रेन मिक्स तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई विल प्रोवाइड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में, जो हमारा नेक्स्ट सुपर ग्रेन है वो है बकव्हीट। बकव्हीट को हिंदी में कुट्टू भी कहा जाता है एंड जस्ट लाइक एमरेंथ जिसे फास्ट में खाते हैं, कुट्टू को भी फास्ट में ही खाया जाता है बिकॉज ये भी एक सूडो ग्रेन है, यानी एक सीड है बट इसे कंज्यूम किया जाता है एज अ ग्रेन एंड बिकॉज इट्स अ सीड इसका जो प्रोफाइल है प्रोटीन का वो भी कंप्लीट है। इट इज अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर में रिच है। रिसेंटली एक सुपर फूड बन के सबके सामने आया, अगर वर्ल्ड की आप कोई भी लिस्ट उठा के देख लीजिए वहां जब भी हेल्थी ग्रेन्स की बात की है तो वहां पर बकव्हीट आपको देखने को मिलेगा विच इज कुट्टू। आप इसे एज अ होल खा सकते हैं, यू कैन बाय इट रोस्टेड, आप इसका भी दलिया ले सकते हैं, ये आटे के फॉर्म में भी मिलता है। एक कप कुक्ड कुट्टू की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 4.5 ग्राम ऑफ फाइबर, ये भी ग्लूटेन फ्री होता है, फास्ट में कंज्यूम किया जाता है। इस लिस्ट में नेक्स्ट जो नाम है वो है फॉक्सटेल मिलेट, जिसे कांगनी भी कहा जाता है। ये भी फाइबर में रिच होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लो होता है, प्रोटीन में रिच है, जिंक है इसके अंदर, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है। लेकिन जो सबसे अमेजिंग बात है फॉक्सटेल मिलेट की कि इट इज रिच इन बी कॉम्प्लेक्स विटामिंस और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छी हैं, आपकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छी हैं। सो इन केस यू हैव समबडी इन योर फैमिली जिन्हें रेस्टलेसनेस फील होती है इन देयर लेग्स इन देयर आर्म्स, तो फॉक्सटेल मिलेट उन्हें डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। और रिसेंटली इंडिया में एक ट्रेंड है जहां पर 5 ऐसे मिलेट्स को अलग से रखा गया है जिसे श्री धन्या मिलेट भी कहा जाता है, आपकी हेल्थ के लिए उसे बहुत अमेजिंग बताया गया है और उसे इंक्लूड करने के लिए कहा गया है। इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी हैं। फॉक्सटेल मिलेट की भी काफी रेसिपीज मैं शेयर कर चुकी हूँ तो आप वहां से उसकी रेसिपीज देख सकते हैं। मोस्टली जो ये मिलेट है वो बिल्कुल राइस की तरह बनते हैं, उतना ही पानी इसमें लगता है और उतना ही टाइम इसमें लगता है। नेक्स्ट जो हमारी इस लिस्ट में ग्रेन है वो है जवार, जिसे सॉर्गम कहा जाता है इंग्लिश में। ये भी बहुत हाई होता है फाइबर के अंदर और ये ओवरऑल आप पूरे साल में कभी भी इंक्लूड कर सकते हैं डाइट के अंदर। इट इज वन ऑफ द मेजर मिलेट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में बेसिकली 2 मिलेट ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, वन इज बाजरा एंड वन इज जवार। इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली, बाकी जो मिलेट्स हैं वो कहीं खो गए हैं लेकिन अभी भी इनकी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा रहती है। इसे रोस्टेड खाया जाता है, पफ करके खाया जाता है, इसका आटा भी आपको मिल जाएगा। ये भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में बहुत ज्यादा है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी लो होता है। अगेन इसका भी हस्क रिमूव करके मिलता है, अगर आप बोलेंगे तो उसे पकाने में आपको आसानी होगी। और 8 नंबर पे जो ग्रेन है वो है बाजरा यानी पर्ल मिलेट। आप थोड़ी मात्रा में इसे थ्रू आउट द ईयर कंज्यूम कर सकते हैं। इसका सब्स्टिट्यूट भी मैं आपको दूंगी, दैट इज ब्राउन राइस को आप थ्रू आउट द ईयर कंज्यूम कर सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, इट इज ऑल्सो वेरी हाई इन प्रोटीन, इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है। इसको कुक कर वर्सेटाइल वे में आप इसे कुक कर सकते हैं, इसकी खिचड़ी बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, आप इसके आटे से रोटी बना सकते हैं। इट इज ग्लूटेन फ्री, इट हैज
वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इट कीप्स यू फुल फॉर लॉन्ग। अगर मैं बात करूं कि कब आप इसे खा सकते हैं, तो रागी, ओट्स और राइस को ऑलमोस्ट आप एवरी डे खा सकते हैं। आप विंटर्स में इंक्लूड कीजिए बाजरा अपनी डाइट में। एमरेंथ और बकव्हीट वैसे तो आप रोज खा सकते हैं, लेकिन फास्टिंग के दिनों में दे आर परफेक्ट, दे आर वेरी एप्ट। और अगर मैं बाकी मिलेट्स की बात करूं, तो आप 4 या 5 बार एक हफ्ते में, यानी 4 या 5 मील में हफ्ते में उसे अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। सो एज अ बिगिनर ये आपकी अगर डाइट रहेगी, ये सारे ग्रेन अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे, तो आपका प्रोटीन और आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन और मिनरल्स का जो इंटेक है वो इंक्रीज होगा। सो डू इंक्लूड दीज 8 इंडियन सुपर ग्रेन्स इन योर डाइट अगर आप वेट लॉस की जर्नी में है। It will be highly beneficial. Thanks for watching this video. I hope you enjoyed watching it. Do share this video with your friends and family member. Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay happy and stay active. I'll be back very soon with another healthy, interesting video. Until next time, bye-bye.